हेलो नमस्कार दोस्तों, सीए फाउंडेशन जून 2024 के एग्जाम दिए और रिजल्ट लगने के बाद आप उन स्टूडेंट में से हो जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए और आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी देने जुड़ चुका हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब लेके जुड़ चुका हूँ। आप जिस डायलेमा में हो कि सर कौन सा अटेम दे, सर कैसे पढ़े, और सर अब तो विश्वास उठता हुआ लग रहा है कि 14.96 सीए फाइनल से भी कम रिजल्ट सीए फाउंडेशन का लगा रहे, हम लोग ये कोर्स करें या ना करें। दोस्तों पूरा लेक्चर देखना, एंड तक इस लेक्चर को देखना। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो 1,10,000 के करीब जो बच्चे जुड़े हैं उनका विश्वास आपको ये उम्मीद देने के लिए काफी कि ये लेक्चर आपको बहुत यूजफुल होगा। और अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड में मुझसे आपने गाइडेंस लिया है और आपको जो बेनिफिट हुआ है उस ट्रस्ट के साथ अभी लेक्चर देखना। पहली बार मैं आपको कोई गाइडेंस, मतलब वैसे तो हमारा जो जैन अटेम्प्ट के लिए बैच चालू हुआ उन बच्चों का कॉन्फिडेंस जितना मैं अभी महसूस कर रहा हूँ एक लेवल पे ये तो है कि सर हम बहुत जरूर जाएंगे। मेहनत कर रहे बॉस, स्ट्रैटेजी से मेहनत कर रहे, सिर्फ ऐसे नहीं, आपने भी पढ़ाई था, सब बच्चों ने मेहनत की थी सर, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो फेल होने के लिए पढ़ रहा था। लास्ट के 2 महीने हो, 1 महीने हो, दिन की रात, रात का दिन, ये करके हमने पढ़ा था सर, बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब हाथ में कुछ नहीं लगता तो बहुत बुरा लगता है। पहली बार बहुत बच्चों को फेलियर आया होगा 12th के बाद, यूजुअली जो बच्चे 12 के बाद ये कोर्स में जाते हैं। और दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप जब सीए एग्जाम देते हो तो ये एग्जाम इन चीजों पे डिपेंड होता है कि आप कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो, ना कि 12th जैसा सर हम लर्न करके जाएंगे वहां पे गए और बैठ गए और पेपर दे दिया। पहले मैं मेरा ओपिनियन रखता हूँ और उसके बाद मैं आज एक सब्जेक्ट के बारे में आपको प्लान देने वाला हूँ और वो सब्जेक्ट रहेगा लॉ, क्योंकि मैंने देखा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका लॉ में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया जितना आना चाहिए था। नो डाउट कुछ बच्चे फेल नहीं हुए लेकिन 40-50-60 के अंदर रह रहे और उसको ही सुकून मान रहे। नहीं बेटा आप अपनी सोच बदलो, मैं आपको कुछ मिनटों के लिए जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो सोचना, मैं आपको बताऊंगा कि सर पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल रह सकती है, हमारे पास एज पर न्यू सिलेबस कितने मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, कितने रिविजन टेस्ट पेपर है, मेन पेपर ऑलरेडी जून का आपने दे दिया है, सितंबर अटेम्प के लिए पहला मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आगे वाले जैसे जैसे आएंगे तो आपको एग्जैक्ट क्या स्ट्रैटेजी बनाने में क्या चीजें हेल्प करेगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे एक पॉइंट पे आप डिस्कशन पे आइए। दोस्तों जो बच्चे प्लान ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि सर अभी हम ना मिल्खा सिंह देखेंगे, भाग मिल्खा भाग, और हम सुल्तान देखेंगे, अलग अलग ऐसे मोटिवेशनल मूवी देखेंगे, 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और फिर हम ना तुरंत से सितंबर अटेम्प दे देंगे, बॉस ये वीडियो आप आगे मत देखना, क्योंकि अब अगस्त आ गया है जब आप पढ़ना चालू करोगे और सितंबर में ऐसे नहीं कि एंड में एग्जाम है तो करीब करीब 40 दिन मिल रहे भाई साहब। अगर इस 40 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो तो जून अटेम्प्ट के 60 दिन में क्यों नहीं किया, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने तुरंत एग्जाम के बाद पढ़ना चालू नहीं किया था, रिजल्ट का वेट किया और अब बोल रहे हो कि ठीक है सर अब फेल हो गए तो देखते अब 40 दिन में हम करके दिखाएंगे, तो अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करो। हाँ आपका स्कोर है 190, आपका स्कोर है 198, लग रहा है कि यार नहीं ये तो बच्ची की पढ़ाई हो गई थी, 2-3 मार्क्स वैसे 2-3 मार्क्स पासिंग के लिए है, वैसे जरा डेविएशन देखा जाए बॉस तो 400 में से भी 200 मार्क्स कम है, 202-210, लेकिन ठीक है पासिंग के अकॉर्डिंग 10-1 मार्क्स कम है, तो तुम एक रिस्क ले सकते हो कैलकुलेटेड कि सर फॉर्म भरेंगे जाएंगे और ये अपने को पता चल जाता है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों से बात की जिनका स्कोर है 103, जिनका स्कोर है 140, सर ये 400 में से 200 में से नहीं, तुम लोग देखते वक्त क्या देख रहे हो कि 200 में से 140 60 मार्क्स से फेल हुआ, भाई 60 मार्क्स से फेल जरूर हुआ लेकिन तेरा डिस्टेंस 240 मार्क का 260 मार्क्स का है, तेरे को 140 मार्क्स मिले बॉस, तो ये समझ कि अभी हमें ना सिर्फ सीए होने के लिए टाइम कम टाइम में हो जाएंगे, इस रेस में नहीं पढ़ना है, सुकून होना चाहिए सर, मैं जो पढ़ रहा हूं ना वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना चाहिए, भले 2 अटेम्प्ट लेट हो सर लेकिन जब मैं सीए बनूंगा समझने के, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जब लोगों के प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाऊंगा ना अलग सुकून रहेगा। अभी ऐसे आपको फेलियर नहीं बोलते, आपका सक्सेस कुछ कुछ गलतियों की वजह से जो बच गया अनसक्सेसफुल आया है। तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से प्लान बी पे जाइए, आपने ऑलरेडी एक मिस्टेक किया ना, आप दूसरे मिस्टेक में मत आओ नहीं तो ट्रैप में फंस जाओगे। आप अगर सितंबर अटेम्प्ट देते भी हो अक्टूबर में वापस रिजल्ट का वेट करोगे, सर जैसे जून में दिया था जुलाई में रिजल्ट लगा था, सितंबर का अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, फिर वापस क्या सर नवंबर के 10-15 दिन, अभी दिवाली दशहरा ये सब आने वाला है ठीक है, और वापस 60 दिन मिलेंगे, वापस आप जैन अटेम्प्ट के लिए जाओगे। टुकड़ों टुकड़ों में मत पड़ो बॉस, पूरा प्लान बी अगर आप देखते हो तो पूरी शिद्दत से, जो आप यहाँ पे टाइम डाल रहे थे ना 60 दिन में, आपको लग रहा था ना कि सर 200 लेके आओगे, भाई साहब
आप में इतना ही जुनून है तो जैन अटेम में 400 में से ना भाई तेरे में इतना ही ईगो है, जुनून है, घमंड है, होना ही चाहिए। आईसीए को दिखाना है, दिखा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे ना 350 मार्क तू जैन अटेम में लेके आ, 8-8 ने 10-10 घंटा इधर पढ़, सितंबर अक्टूबर नवंबर प्लान के साथ पढ़, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पहले ही पढ़ा था मैं, बताऊंगा मैं, प्लान दूंगा तुझे, वो टेंशन मत ले। यहाँ पे जितनी मेहनत करने वाला था उसकी डबल मेहनत तू ये 5 महीने कर, आईसीआई कितना भी डिफिकल्ट पेपर निकाले तू फेल नहीं होगा। और डिफिकल्ट पेपर था नहीं वैसे, जून अटेम का मेन पेपर लेना, न्यू सिलेबस और मॉड्यूल लेके बैठना, आपको रियलाइज होगा ये तो मेरे को आ रहा है, फिर वहां पे क्यों नहीं आए। तो मैं इन माय ओपिनियन मेरे को ऐसे लगता है कि प्लान बी पे जाओ, 5 महीने लो, क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट हो जो अभी साथ में बीकॉम भी कर रहे हो, तो वहां की तो दुनिया अलग ही है, दुनियादारी, वहां पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। फिर आप क्या करते हैं, नहीं सर बीकॉम छोड़ देते, अभी सिर्फ सीए करते। बेटा मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ना जब सीए पढ़ते तो ज्यादा पर्सनल ले लेते चीजें और बाकी सब छोड़ देते, नहीं बीकॉम को भी आराम से इज्जत दो, थोड़ा थोड़ा करो, एग्जाम के वक्त जाना कैसे, मैंने ऑलरेडी इस पे गाइडेंस किया हुआ है, लेकिन अब तो तुम मेरी बात समझे राजा, प्लीज अपने उन दोस्तों को भेजो जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, इस ट्रैप में फंसने से बचाओ भाई। अगर आपका स्कोर कम है इमोशनल मत होना, है ना, आपको लगता है सर लेकिन मेरे को तो बहुत ऐसे दिखाना ही चाहिए को, दिखा भाई, लेकिन तू उतनी डबल ट्रिपल मेहनत करके जैन में दिखाई से क्या दिखाना है ना। पॉइंट वन क्लियर। तो अब जैसे मैंने आपको ट्वेल्थ में बहुत बच्चों को जो गाइडेंस दिया है, आई होप वो मेरे से रिलेट कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले बेटा डिसीजन स्ट्रांग रखो, एवे हमारे अप्रैल वाले बच्चों को मैंने सितंबर के देने से रोका नहीं, मेरे को पता है कि सीए में क्या चाहिए। इट डजेंट मैटर तुम होशियार हो, तुम होशियार नहीं हो, तुम एवरेज हो, नहीं, आपकी मेहनत एक प्लान तरीके से होनी चाहिए। अब आते हैं प्लान तरीके पे। सर मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, अब लॉ की आज के इस लेक्चर में बात करूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, पहले जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपको जो करना आप इस लेक्चर को यहाँ से देख सकते हो। सर लॉ जब मैं पढ़ रहा हूँ, न्यू सिलेबस सर, हमारा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, फलाना देखना, बहुत सारी बातें मैं सुनता हूँ। सर लॉ में हमारे टोटल 7 चैप्टर है बॉस, 7 चैप्टर में से आप लोगों को पता है जो बैच अभी मेरा भी रिकॉर्ड हो गया एज पर मॉड्यूल, और मॉड्यूल में से हर एक लाइन हमने पढ़ाई सर, ऐसे नहीं कि समरी नोट्स बना दिए। बहुत बच्चों को क्या हुआ पता है, मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम 4-5 लोग थे जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे, अब ये सीए इंडिया लेवल का कोर्स है, यहाँ पे आपको हजारों टीचर्स मिलेंगे जो अच्छा एफर्ट्स दे रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ प्रिविजन लेक्चर देख रहे हो और जा रहे हो। बेटा ऐसे नहीं होगा, तुझे डिटेल में पहले मॉड्यूल को पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना है, फिर धीरे धीरे तेरा केस स्टडी भी अच्छे से सॉल्व होगा। केस स्टडी में यस और नो आंसर लिख के आओगे, 12वीं समझाए क्या, आईसीए मार्क्स देगा। तुमने पेपर 90 का लिखा, मार्क्स आ रहे 46, सर क्यों जा रहे, किधर जा रहे, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो सर। 7 चैप्टर में भाई और बहनों, मैं अगर आपको कहूँ कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों चैप्टर तुम्हारे 50 मार्क्स से, मतलब ये दो चैप्टर पूरी दुनिया अलग है, 50% वेटेज लेके चलता। चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है बॉस, आप चैप्टर नंबर 1 अगर देखो तो 6 घंटे में हमने आराम से डन किया है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है लेकिन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में विद लर्निंग रिविजन। चैप्टर नंबर 5 LLP अगेन 6 मार्क्स का आता है, इसका भी 5-6 घंटे में हो गया। चैप्टर नंबर 1 का वेटेज भी वैसे भी वेटेज 6 मार्क्स है, एक ही क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 5, 1 क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 7 अगेन 8 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो और 14 मार्क्स का वेटेज है। ये 3 चैप्टर सबसे कम टाइम में होते हैं और एग्जाम में आपको 26 मार्क्स के करीब इसके क्वेश्चन दिखते हैं, जो आप अगर जून अटेम्प्ट देखो तो वहां पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ये पॉइंट आपका क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट आपने देख लिए बेटा, तो अब बचता क्या है सर, ये 3 चैप्टर चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एक मिनट, चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का पार्टनरशिप है, चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का यहाँ पे रहेगा कंपनी एक्ट, और पार्टनरशिप में तो ये 3 यहाँ पे खड़ा दिए, 2 यहाँ पे, तो 2 ही चैप्टर बचे, चैप्टर नंबर 4 और 6 पार्टनरशिप और आपका कंपनी में। भाई और बहनों आप देखिए कि करीब करीब आपके ये 40 मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं, और कंपनी एक्ट बहुत बच्चों को बहुत आसान लगता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें ना डिफिकल्टी आती है या उसे लगता है कि सर होनार नहीं, ये जो 40 मार्क्स है ना यहाँ पे 2 चैप्टर जो मैंने रखे बॉस, प्लीज ये लिखना, अभी ये तुमको पता रहेगा लेकिन अब कैसे करना भी बताता हूँ कि भाई और बहनों ये कंपनी में तो कोई यूनिट नहीं है, जब चैप्टर नंबर 6 चालू होता है ना आपका, चैप्टर नंबर 6, ये देखो मैं बोलता हूँ,
चैप्टर नंबर 6 कंपनी एक्ट, इसमें सीधा प्लेन वही एक चैप्टर है, और इसके चैप्टर के अंदर वो होता है ना 6.1, 6.2 इस तरीके से मैंने पढ़ा है, मॉड्यूल के पॉइंट लेके 6.3 ऐसे 6.10 तक तुम्हारे पॉइंट है, इंडोर मैनेजमेंट तक, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला एक पॉइंट है देखो, है ना, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर वाला, उसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ कंपनी क्लासिफिकेशन, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आपका चैप्टर 6 को पहले 20 मार्क का चैप्टर है तो उसे उतना इज्जत दीजिए। हमने करीब करीब 17 से 18 लेक्चर लिए हैं, फिर हमने ये देखा है दोस्तों कि इस चैप्टर 6 में से अब तक जून अटेम्प्ट में कहां पे क्वेश्चन आया, जून 2024 में। पहले एनालिसिस करो, शांति रखो भाई, ऐसा नहीं किसे पढ़ लेना है। तो ये देख कि जितने मॉक टेस्ट पेपर हुआ ये इंस्टीट्यूट बना रहा है, एग्जाम जो हमारा बॉडी एग्जाम जो पेपर बनाता है वो इस पेपर को बना रहा है, वो पेपर सेटर है, वो लोग क्या देख रहे हैं 6.1 से लेके 6.10 में कौन से पॉइंट में रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो तो तुझे बहुत अच्छे से करना है। वैसे तो ओवरऑल सभी पढ़ लेंगे, फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमारा जो पेपर है लॉ का बेटा वो 50% तेरे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 50% तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और मैंने ये देखा बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी लिखते ही नहीं आ रहा, वो क्या कर रहे पता है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहे और बाद में यस और नो लिख के आ रहे, आंसर लिख के आ रहे कि मुझे लग रहा, ऐसा नहीं चलेगा मालिक। आप अपने आप को धोखा मत दो, इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये चाहती है कि वो ज्यादा रिजल्ट लगाए। इंस्टीट्यूट का अभी आपको बता दूं एक अपडेट कि वो 2047 तक 40 लाख सीए भारत में होने चाहिए, ऐसे उनका एक बोलते ना कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटो है कि इतने सीए बनाने हमें, तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम्हें फेल करे, हम लोग खुद हो रहे हैं, हम खुद उतना अभी इंस्टीट्यूट को स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर रहा है ना, कल जाके 80% रिजल्ट लगा बॉस तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो रिजल्ट कम है अच्छा है, तुम लोग अपना बोलते ना कि क्वालिटी इंप्रूव करो। ये केस स्टडी मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं चैप्टर 6 को पकड़ रहा हूं ना सर, तो उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, या आप ऐसे पढ़ो कि स्ट्रक्चर में जाओ, आरटीपी एमटीपी सितंबर का पेपर होगा उसका एनालिसिस, उसके 3 MTP आएंगे, तो करीब करीब न्यू सिलेबस के 7 से 8 पेपर का मेरा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मैंने 12th में आपको बताया था। अब आप कहोगे सर 12th तो अलग है सीए अलग है, बेटा देखो प्लानिंग के लिए तो सब सेम हो सकता है ठीक है, और मैं प्रूव करके दूंगा जो हमारी लाइव बैच चल रही है वहां पे मैं दिखा रहा हूँ बच्चों को, वो अलग कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेम जब मैं चैप्टर 6 होने के बाद चैप्टर नंबर 4 पे जाऊंगा ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे जाऊंगा दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मेरे जो अलग अलग यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, वहां पे ये यूनिट में भी हमने सब डिविजन किया है, और इसके लिए टाइम लगेगा है ना, वो एक दिन में तेरे को सितंबर अटेम्प्ट देना तो टाइम नहीं है भाई, अगर तुझे जैन अटेम देना तेरे पास टाइम है, तो रिलैक्स होगा, तो देखेगा ऑब्जर्व करेगा कि हाँ सर चैप्टर 4 के यूनिट 2 में से हर एग्जाम में करीब करीब 7-8 मार्क्स का एक केस स्टडी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्या कंसेप्ट है मैं देखूँ, यूनिट 1 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं वो अच्छे से करूंगा। तो दोस्तों चैप्टर 6 कंपनी एक्ट, चैप्टर 4 पार्टनरशिप, ये दोनों चैप्टर मिला के 40 मार्क्स अगर पासिंग के मिल रहे तो इधर क्या दिक्कत है। चैप्टर 1 चैप्टर 5 चैप्टर 7 ये छोटे छोटे चैप्टर मिला के अगर तुझे बेटा करीब करीब 26 मार्क्स मिल रहे तो 40 + 26 56 मार्क्स में से अगर तेरा परफॉर्मेंस 19-20 भी रहा, लैंग्वेज का इशू भी रहा, सर मैं तो कहता हूँ ये सॉरी 66 मार्क्स में से तुझे एटलीस्ट 40 तो इधर ही स्कोर कर, फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये 50 मार्क्स में से तू मतलब इसके भी ये सब स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करो, समझो कहाँ से क्या है, मैं आऊंगा वहां पे बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ समझा, तुम तो एक तो मॉड्यूल रीड कर रहे हैं, नहीं तो कोई क्लास के समरी नोट्स रीड कर रहे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस जीरो, केस स्टडी का प्रैक्टिस जीरो, केस स्टडी सामने आया इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा, क्वेश्चन सामने आया रिकॉल नहीं हो रहा, भाई इतनी चीजें है तो तू वहां पे जाके अपना मजाक क्यों उड़ा रहा है, और सही टेस्ट हो ही नहीं पा रहा है मालिक, समझ में आ रहा है क्या। मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ जो हमारे लाइव बैच के बच्चों को पहुंच रहा है बेटा, हम लोग ना जिस हिसाब से जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये इनर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम हो सकते हैं, वो इधर पता होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना तुम जंग कभी भी मैदान में जाके नहीं हारते, मैदान से पहले ही दिमाग में बहुत बच्चे हार चुके होते हैं कि अब होने नहीं वाला, अगला अटेम्प्ट देंगे, और फिर वहां पे जाके तो फॉर्मेलिटी ब्लैंक होना वगैरह वगैरह, भाई पहले तो यहाँ से जीत। ये बच्चे जो अब हम पढ़ा रहे हैं ना जैन के लिए, उनको पता है कि भाई ये जो सर ये सर ने अगर हमें बताया कि चैप्टर नंबर 7 है, ये जो नया चैप्टर आया है
इसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट पेपर में आए, आईसीआई इसके कुछ पॉइंट बना लिए हमने, पूरे मॉड्यूल को डिवाइड कर लिया कि और देखा कि सीए इंस्टीट्यूट कहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे, और वहां से एक इंटरप्रिटेशन होता है, एक पेपर सेटर का माइंडसेट होता है कि क्या कंसेप्चुअल पूछ रहा है, फिर वैसे पढ़ाई कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ सर 14 में से ना अच्छा रहा तो नसीब 14 भी मिलेंगे, नहीं तो 10 तो लेके आएंगे। और आईसीआई ने वेटेज को नहीं लाया, पिछला पेपर देखिए वेटेज वैसे के वैसे रखा है बॉस। आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वैसे तो मैं आपको बता दूं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई थी दोस्तों, कि ये देखो ये थोड़ा ना पिछले तीनों मॉक टेस्ट को कलेक्ट करो, नहीं तो मैं आपको ना अपने टेलीग्राम चैनल में मेरे स्टूडेंट्स को कहूंगा जो लाइव बैच के यार प्लीज वो चीज मेरे साथ वापस शेयर करें। ये आरटीपी अभी तक ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास है जून 2024 के बाद है, एमटीपी 3 एक मेन एग्जाम पेपर, एक क्या बेटा आरटीपी, सितंबर अटेम्प्ट का एक एमटीपी हो गया है मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी आ चुका है, मेन एग्जाम पेपर होगा, तो हमें दो मेन एग्जाम पेपर का एनालिसिस मिलेगा कि जैन में क्या हो सकता है। सर ये देखो पढ़ तो हम रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा ना, लड़ने से पहले लड़ाई के रूल्स तो समझ लो, लड़ाई जिससे लड़ रहे हो उसको तो समझ लो कि वो क्या माइंडसेट से लड़ाई लड़ रहा है हमारे साथ। हर अटेम्प्ट में जाके फेल होना ये ऑप्शन नहीं बोल, समझ में आ रहा है? यस और नो? भाई और बहनों आपके लिए मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई थी, और मैं आपको कहूँ कि ये पेपर पे भी बनाया था जब पहला मॉक टेस्ट हमारा रिलीज हुआ था ना, तो ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन वन में क्या आ रहा है, कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन वन जो कंपलसरी होता है ना, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, तो यहाँ पे इतना होने के बाद लॉ में जो राइटिंग प्रैक्टिस की कमी है वो तुम कोई भी लेक्चर देख के कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें बैठना ही पड़ेगा एक जगह पे, और वो चैप्टर वाइज जाओ, हर चैप्टर पे तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते लेकिन सिलेक्टेड चैप्टर पे जरूर कर सकते हो। दोस्तों मेरा एक पूरा कोर्स रेडी है, मैं ऐसे नहीं कि तुम बोलोगे सर अभी आप अपना प्रोडक्ट बेचने लगे, बॉस अगर आपको लगता है कि सर मुझे बेनिफिट होना चाहिए मॉड्यूल से हर एक लैंग्वेज वापस हमें बताओ टाइमिंग के साथ कितने घंटे में क्या होगा, कितना आपका सिलेबस, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक से डेढ़ महीने में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, एक से डेढ़ दो महीना एवरी सैटरडे मेरे साथ टेस्ट दो, सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, वीकली जो हमारे कंसेप्चुअल टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करो, राइटिंग प्रैक्टिस अटेंड करो, सब करो, और देखो जैन में आपका कॉन्फिडेंस लॉ में लॉ सब्जेक्ट में क्या रहेगा। आप फेल हो नहीं सकते जब तक आप खुद डिसाइड ना करो, और यहां से पहले आपको पता होना चाहिए सर कुछ भी पेपर आ जाए ना हम लोग बस अब दिखा के आएंगे क्या, जुनून वैसे रखो सर, टोटल एक क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज हमने बताया था, और ये आया है आप जून अटेम्प्ट का पेपर देख लीजिए सर, देख लीजिए ठीक है, चैप्टर वन 6 मार्क्स से, कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 30 से 32 मार्क्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स, लेकिन ये ऐसे देख के थोड़ी ना होता है, ये पढ़ना पड़ता है चैप्टर वाइज, सारी चीजें हमने की है, वहां पे जिया है, वहां पे हम पढ़ रहे मेहनत कर रहे, आप भी करो एक सही ढंग से करो। तो दोस्तों दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने, और यहाँ पे देखो एनालिसिस मैंने क्या कहा था, 50% डायरेक्ट क्वेश्चन, 50% केस स्टडी क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रैटेजी एक दिन में खाने मत जाओ, उसके 9 यूनिट है, 225 पेजेस है, 32 मार्क्स के लिए आता है, और सर करीब करीब 225 में दो पेजेस ऐड करो 227 पेजेस, क्यों ये जा रहा हूँ सर, अल्टीमेटली कंटेंट भी तो कवर करना है ना, तो अगर मैं चार चैप्टर कवर करता हूँ जो 75 मार्क्स के लिए आ रहे हैं सर, चैप्टर 6 चैप्टर 4 चैप्टर 3 चैप्टर 6 सॉरी चैप्टर 7 ये वाला चैप्टर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं इतनी चीजें कर रहा हूं बॉस मेरे को बताओ ये वाला चैप्टर 7, तो इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है। आप समझिए कहां से शुरुआत करनी ये भी जरूरी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत कर दी तो आपका तो बस कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा, आपको लगेगा लॉ आगे जा ही नहीं रहा है। बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों आपसे, प्लीज आप सीए को डिफिकल्ट मत बनाइए, वो है नहीं उतना, फाउंडेशन लेवल तो भी, बस आप सही ढंग से पढ़िए, आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, आप दूसरों से अलग हो, आपका अपना एक पहचान है, आपका अपना एक तरीका है, आपकी अपनी एक समझ है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, उतना प्रैक्टिस करो, उतनी मेहनत करो। पेपर अब आपको पता है सितंबर का वापस एनालिसिस आएगा, स्ट्रक्चर वे में जाएंगे, जैन अटेम्प्ट को पूरी तरीके से जितना जोर लगा दगा सकते हो लगा के पंच मारना फाइनल और पास हो जाना, ये मुझे आपसे कहना है। बहुत सारी और भी बातें बट अब मुझे पता नहीं कौन मुझे कहां से किस माइंडसेट में देख रहा है, बट मैं एक ही कहूंगा बेटा प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रैक्टिस और पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो बॉस आप लोगों से सक्सेस दूर नहीं है। तो भाई और बहनों यही पे मैं रुकूंगा, आप लोगों को अगर चाहिए अपना लॉ का बैच और बाकी सब्जेक्ट भी मैं आऊंगा, फिलहाल मैं लॉ की बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में, अगर चाहिए तो ऐसे नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करके रखिए,
हम हमारी टीम आपसे साथ जुड़ेगी, बात करेगी, जो जो डाउट्स है सब पूछ लेना, पेरेंट्स से बात करवा लेना। और ये अच्छा एक चीज़ होगी, अगर आपको प्राइस से रिलेटेड है बेटा, ये जो लेक्चर है वो 399 में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, और आपके लिए एक ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे हम आपको गाइडेंस, ठीक है? तो यहीं पे हम रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।